हेलो फ्रेंड्स, ए टू जेड कैड एंड कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते ही हो, मेरा नाम एजाज अहमद है और मैं चैनल पर नए नए प्लान्स और नए नए डिज़ाइंस आप लोगों के लिए डेली लाते रहता हूँ। तो आज भी इस वीडियो में आपको एक 25x28 का प्लान लाया हूँ, जिसमें मैंने काफ़ी बढ़िया 3 BHK सेट किया है। तो इसमें 3 बेडरूम, हॉल, किचन, स्टेयरकेस और बाथरूम वगैरह मैंने इसमें सेट किया है। तो काफ़ी बढ़िया सा ये प्लान बनाया जो आपको इस वीडियो के जरिए मैं आपको शो करने वाला हूँ। तो ये करीब 700 स्क्वायर फीट है और इसमें मैंने 3 BHK सेट किया है। अगर आपका भी कोई प्लॉट वगैरह हो इसी हिसाब से या इसी से थोड़ा कम ज़्यादा हो, तो आप इस अपने प्लान के लिए ये चाहे तो सेट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको प्लान बताता हूँ। प्लान बताने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो जो भी अपलोड हो वो आपसे मिस ना हो। अगर आपका भी कोई प्लान वगैरह बनाना हो तो मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। प्लॉट के डिटेल्स और रिक्वायरमेंट क्लियरली बता दें तो आने वाले वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपका प्लान बना के शो कर दूंगा। पर्सनली प्लान के लिए कुछ चार्जेस वगैरह है, आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। और अगर आप यूट्यूब पे कोई प्लान वगैरह सर्च कर रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके ज़रूर सर्च करें। मैंने काफ़ी बढ़िया बढ़िया प्लान बना के इसमें अपलोड किया है। कम से कम जगह में भी काफ़ी बढ़िया से बढ़िया प्लान मैंने सेट किया है और मैं एक ही प्लान के काफ़ी सारे डिटेल्स भी देते रहता हूँ, जैसे कि प्लान और कहाँ पे कॉलम आना चाहिए, कॉलम लोकेशन का प्लान दूंगा और सेंट्रल लाइन प्लान वगैरह भी मैं इसमें प्रोवाइड करते रहता हूँ। और काफ़ी सारी कैटेगरीज मैंने इसमें बना के अपलोड किया है, जैसे कि रेजिडेंशियल, कमर्शियल, अपार्टमेंट और कुछ 3D वगैरह भी मैंने इसमें बना के आपको शो किया है। आप तो एक बार ज़रूर जाके इसको देख लें और पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मैं आपको प्लान शो करता हूँ यहाँ का। तो देखिए, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर का ये प्लान है, आप चाहे तो इसको कंटिन्यूसली फ्लोर बाय फ्लोर भी कंटिन्यू करना चाहे तो कर सकते हो। तो फ्रंट साइड यहाँ पे 30 फीट की रोड है और यहीं पे मैंने कुछ इसके बेसमेंट के कुछ स्टेप वगैरह प्रोवाइड किया है, जैसे कि आप फ्रंट साइड में देख रहे होंगे। तो ये इसमें पार्किंग वगैरह नहीं है, सिर्फ ये टोटली जगह ये यूज़ है, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि पार्किंग के लिए उनके पास काफ़ी स्पेस है। सिर्फ इतने में ही उनको ये 700 स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया में ही उनको 3 बेडरूम, हॉल, किचन, एक बढ़िया सा प्लान चाहिए, तो उन्हीं के हिसाब से मैंने ये बनाया है। तो ये टोटल जगह ये यूज़ है, 700 स्क्वायर फीट टोटली ये यूज़ है। तो देखिए, यहाँ पे फ्रंट साइड में मैंने यहाँ पे इसका एंट्रेंस दिया है, जो मैंने डोर 3.5 फीट का लिया है, जो डायरेक्टली आपको हॉल में आएगा। तो हॉल का डायमेंशन देखिए, 12 फीट 9 इंच, ऐसे में 10 फीट का ये हॉल है। और इस हॉल में मैंने यहाँ पे इस तरफ टीवी के लिए पॉइंट सेलेक्ट किया है, आप चाहे तो यहीं पे ले सकते हो। और इस कॉर्नर पे मैंने यहाँ पे छोटा सा एक सोफ़ा सेट और यहाँ पे एक छोटा सा कुछ भी टेबल वगैरह आप चाहे तो रख सकते हो। तो इस हॉल में मैंने यहाँ पे एक डोर प्रोवाइड किया है, जो डायरेक्टली आपको एक बेडरूम में आएगा, जो 10 फीट बाई 10 फीट का ये बेडरूम है। तो इसका विंडो मैंने फ्रंट साइड पर ले लिया है और हॉल का भी विंडो मैंने यहाँ पर फ्रंट साइड में ले लिया है और एक राइट साइड में लिया है, आप चाहे तो एक भी ले सकते हो। तो इस हॉल के इस तरफ यहाँ पे जो मैंने और एक आर्च प्रोवाइड किया है, जो डायरेक्टली आपको पैसेज में आएगा, जो पैसेज का डायमेंशन है 3 फीट 5 इंच का ये पैसेज है। और इस पैसेज में आपको 2 बेडरूम के डोर लगेंगे, एक यहाँ पे फ्रंट साइड में एक है जो 9 फीट बाय 9 फीट 10 इंच का ये बेडरूम है। और यहाँ पर इसका एक विंडो भी मैंने प्रोवाइड किया है राइट साइड में। और यहाँ पर देखिए इस तरफ, यहाँ पर एक लेफ्ट साइड में आपको और एक डोर लगेगा जो बेडरूम का है, जो 10 फीट बाय 9 फीट 10 इंच का ये बेडरूम है। और इस बेडरूम में मैंने इस तरफ यहाँ पे 9 इंच की वॉल के ऊपर यहाँ पे मैंने विंडो प्रोवाइड किया है। और पैसेज से स्टेयर जाने के बाद में आपको स्टेयर्स लगेंगे, जो कंटिन्यूसली आपको फ्लोर टू फ्लोर कंटिन्यू होंगे। और इस लैंडिंग के नीचे आप कॉमन WC बाथ बना सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर डायमेंशन भी दिया है और आप शो भी किया है। तो 6 फीट बाय 3 फीट का ये कॉमन WC बात है, आप चाहे तो उसको 3 की जगह 3.5 भी ले सकते हो। और यहाँ पे एक विंडो मैंने प्रोवाइड किया है, ये लैंडिंग के ऊपर ये विंडो आएगा, लैंडिंग के नीचे आप बाथरूम है वहाँ पे तो कहीं पे एक वेंटिलेटर ले लीजिए। तो यहाँ पे राइट साइड में एक किचन है, आपको किचन का डायमेंशन देखिए 8 फीट 7 इंच, ऐसे में 6 फीट का ये किचन है। तो इस तरफ यहाँ पे मैंने किचन का प्लेटफॉर्म दिया है बैक साइड में, जो यहाँ पे मैंने भी विंडो भी प्रोवाइड किया है। और इस तरफ चाहे तो आप सिंक वगैरह ले सकते हो, इस कॉर्नर को आप चाहे तो फ्रिज वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो।
तो ये आउटर से आउटर 25 फीट है, और यहाँ से ये आउटर से आउटर 28 फीट, और ये जो स्टेरगेस है इसका इनर टू इनर 6 फीट है। तो ये काफ़ी बढ़िया सा प्लान बैठा है, जिसकी कम प्लॉट हो, अगर वो 3 BHK अगर वो सर्च कर रहे हो तो ये प्लान उनके लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि क्लाइंट के पास ऑलरेडी घर बने हुआ है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा में मिनिमम साइज़ के साथ ये 3 बेडरूम चाह रहे, तो वो हिसाब से इसको मैंने सेट किया है। तो आपका प्लॉट अगर थोड़ा सा बड़ा है तो इसी हिसाब से उसको आप चाहे तो सेट कर सकते हो ये प्लान के हिसाब से। तो ये टोटली क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, तो ये हर चीज़ थोड़ा सा मिनिमम साइज़ की है, जैसे कि बेडरूम्स हो, किचन हो, हॉल हो, तो क्लाइंट के हिसाब से बनाने की वजह से मैं इसको ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया है। जैसा मैंने बनाया था उनके लिए वही प्लान आपको शो कर रहा हूँ। फिर भी आपका कोई प्लॉट अगर इससे बड़ा है तो आप अपने लिए आप चाहे तो इसको थोड़ा अलग से सेट कर सकते हो, या फिर छोटा है तो इसको भी आप चाहे तो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। 3 BHK आपको कंपलसरी चाहिए, तो इसी प्लान के हिसाब से आप चाहे तो अपने लिए यूज़ कर लो। कॉन्सेप्ट देखिए, टोटल की टोटल जगह ये यूज़ भी है, काफ़ी बढ़िया सा ये 3 BHK सेट हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको प्लान पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसके कहाँ पे कॉलम आना चाहिए वो आपको मैं शो करूँगा। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। तो चलिए, खुदा हाफिज़।